रायबरेली में लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में दिव्यांग जनों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बता दें कि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को समय करीब 11 बजे रायबरेली जनपद के विकास भवन परिसर से मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव की अध्यक्षता में सैकड़ों दिव्यांग जनों द्वारा अपने अपने ट्राईसाइकिल में कंप्लीट हुआ पोस्टर तथा बैनर लगाकर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि रायबरेली में लोकसभा निर्वाचन 2024 का पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है, जिसके लिए लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, जिससे शत प्रतिशत मतदान हो सके। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी के साथ जिला विकलांग कल्याण अधिकारी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आज ये 21 बात की रैली निकाली गई। ये देखिए, हमारे जनपद में 20 मई को मतदान होने जा रहा है, तो उसी के क्रम में हम लोग लगातार स्वीप की एक्टिविटी करा रहे हैं जागरूकता से संबंधित। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने दिव्यांगजनों की एक रैली छोटी सी यहाँ पे निकाली है। तो विकास भवन से रवाना होके ये लोग फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज चौराहा से होते हुए बचत भवन वापस आएंगे। तो एक जागरूकता का हम संदेश देना चाह रहे हैं कि सभी लोग वोट करें, हमारे जो दिव्यांग भाई हैं वो भी वोट करें, और इसके अलावा बाकी भी जो मतदाता हैं सब लोग वोट करें। उसी के लिए निरंतर जागरूकता के कार्य चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज ये रैली निकाली। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।